देखिए कक्षा 9 मैथ में हम बता रहे हैं कि उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा था पढ़े थे किसी रेखा पर संख्या को निश्चित संख्या उसको तो हम दर्शा ले रहे हैं, एक दिया है दो दिया, लेकिन दशमलव में दिया है वो बड़ी संख्या दे दिया है तो वहां पे समस्या होगी जानने की। तो वहां पे आपने देखा होगा कि आप सेट बॉक्स में एक मिरर दिया होता है, क्या दिया होता है मिरर, जिसको आप निकाल के देखते हैं तो वो बड़ा दिखाई देता है। देखे होंगे आप लोग किताब में पढ़े देखेंगे तो वह बनाया हुआ मिरर शीशा बना हुआ है, ओके, वहां पे जब लगाएंगे तो वह अच्छा बड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो उस लेंस द्वारा आवर्धन लेंस द्वारा कैसे आप रेखा पर संख्या को लोकित करके देखते हैं उसको हम बताएंगे, ओके। तो आप एक आवर्धन शीशे की सहायता से संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित करके देखने के प्रक्रम को उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम कहते हैं, ओके। एक आवर्धन शीशे द्वारा यानी एक जो शीशा आप मिलता है एक बॉक्स में देखिएगा जो ड्राइंग बॉक्स बॉक्स होता है उसे मिलेगा, उस बॉक्स में शीशा होता है जिसके में आप देखते हैं तो अक्षर जैसा बॉक्स दिखाता है, उस पर कैसे आप बड़ी संख्याओं को निरूपित करेंगे देखेंगे उसी पे देखने के क्रम को ही हम उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये हमारा कोई एग्जाम्पल देखो लेते हैं, पेपर का कोई एग्जाम्पल आप सिखाते हैं, पहला सवाल ही देते हैं हम, लिखा हुआ है 1.14 का क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं, ओके। लिखा हुआ है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 इसको संख्या रेखा पर देखना है, ओके। तो आपको देखिए क्या बहुत आसान है नहीं, इसको देखिए बहुत यहां से समझ में आपको आ जाएगा, तब मान के क्वेश्चन आ जाएगा तो देखिए ध्यान से, यह मान क्या है 3 और 4 के बीच का है, ओके समझ गए, 3.765 दिया है तो आपको पता हो गया कि 3 और 4 के बीच का मान है, ओके। तो देखेंगे यह 3 और 4 के बीच इसमें है बीच में, ओके। ये तो आप पे 3 और 4 लिखते हैं तो आप क्या करेंगे एक रेखा खींच लेंगे भाई, यहां लिखेंगे 3 यहां लिखेंगे 4, ओके। अब इसको हम क्या करेंगे 10 और 12 काटना है, यहाँ पे 3.1 कर देंगे, 3.2 कर देंगे, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, ओके इतना हमने कर लिया। अब देखिए आपको क्या मिल गया 3.7, अब देखिए यह संख्या यहाँ से ढूंढिए कहाँ मिल रही है 3.7, अब 3.7 और 3.6 के बीच यह कैसी संख्या मिलेगी, आई 3.7 और 3.8 के बीच ही वह संख्या है यार, समझ गए। पुनः देखिए इसको फिर बात ये इधर आइए कि इधर 3.6 ये 3.7 है ये 3.8 हो गया, अब इसी के बीच ये संख्या है हमारी, ओके। इस रूप करते इसको बाद में दर्शा दूंगा 3.7 3 3.7 2 3.7 3 3.7 4 3.7 3 3.7 5 3.7 6 3.7 7 7 एक मिनट 3.7 8 3.7 9 यहां लिख देंगे हम 3.7 इनके इनके बीच होगी, फिर एक फिर और आई इसके बीच में हो गया 3.7
सात छह और इन दोनों सात सात के बीच यह संख्या होगी। ठीक है, उत्तर चला देंगे। फिर बात करें दस और भागों में, तीन दस मलो सात छह एक, तीन दस मलो सात छह दो, तीन दस मलो सात छह दो, तीन दस मलो सात छह चार, तीन दस मलो सात छह पांच, तीन दस मलो सात छह छह, तीन दस मलो सात छह सात और तीन दस मलो सात छह आठ। एक मिनट, तीन दस मलो सात छह नौ और ये तीन दस मलो आठ। ओके, अब हमारा विद्यमान मिल गया। यह नाम कहाँ दिखाई देगा, वहीं पे क्या करेंगे, आप गोला बना दीजिएगा। देखिए ये विमान हमारा क्या है, प्राप्त हो गया। तो इस सवाल को एक बार रिवाइज करिएगा, एक ही होमवर्क हम देंगे। आप दो दशमलव, एक मिनट, हाँ दो दशमलव तीन दो का मान उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा ज्ञात कीजिएगा, हमें बताइए कमेंट करके, या इसको कैसे निकाल रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच।